हेलो माई डॉट, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल डायरेक्ट। एंड आज के लेसन में होने वाला है कि हम अपने आवाज गिटार के साथ कैसे मैच करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी आवाज गिटार के कोड के साथ कैसे मैच कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक एक नोट पे, एक नोट को पकड़ के हम कोड में जाएंगे, ठीक है ना। पहले हमें करना है सारे गा मा पा धा नी सा, इसको पकड़ के हम कोड में प्रैक्टिस करेंगे फिर। तो प्लीज लेसन को पूरा देखना, जब भी आपके समझ में आएगी। तो उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको सारे गा मा पा धा नी सा बता देता हूँ कि हमारे फिंगर कैसे कैसे लगेंगे, कौन कौन से फ्रेट पे लगेंगे। उसके बाद हम कोड में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है आज का, जिनकी वॉइस अपने गिटार के साथ मैच नहीं होती। कोई सुर ऊपर लग जाता, कोई नीचे लग जाता, पता नहीं चलता। गाने में भी बेसुरी सी आवाज आती है। तो पहले कोड में प्रैक्टिस करेंगे हम एक एक करके, ठीक है ना। तो आज का लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले मैं आपको सारे गामा पा धा नी सा बता देता हूं। सा आएगा हमारा फिफ्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट की सा, रे आएगा हमारा फोर्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, गा आएगा हमारा सा रे, गा आएगा हमारा फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, मा आएगा हमारा, पहले देख लेना कि सारे गा में फ्रिस पे वॉइस मैच करनी है, ठीक है ना, भागना मत वीडियो छोड़ के। तो गा आएगा हमारा, सॉरी सा रे गा तो बता दी मैंने, मा, मा आएगा हमारा फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट की, पा आएगा हमारा थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, धा आएगा हमारा थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, नी आएगा हमारा सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सा आएगा हमारा सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। कैसे हो जाएंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब हम इस पे वॉइस मैच करते हैं, ठीक है ना। कैसे करनी है, सांस भरिए अपने में, ठीक है ना। इसमें वो भी चाहिए होती है कि हाँ भाई हमारा सांस खत्म हो जाता है ना। बहुत सारे हम गाना गाते हैं तो बहुत सारे बिगनर्स की प्रॉब्लम होती है कि सांस ही खत्म हो गया। तो पहले गहराई से सांस लीजिए, जैसे रियाज करते हैं ना, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसे, मेडिटेशन करते हैं ना मोरनी में। पूरा सांस भरिए और इस पे नोट पे प्ले करिए इसको, डाउन 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 इस पे करिए। फिर भरिए, फिर प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। ऐसे हमें पूरे सब पे करनी है, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है ना। ऐसे प्रैक्टिस करनी है हमें, हर नोट पे कम से कम पांच पांच बार ठहरना है, तभी आपको पकड़ में आएगा कि यहाँ पे हमें सा के लिए इतनी पावर लगानी पड़ रही है, हमें रे के लिए इतनी पावर लगानी पड़ रही है, हमें गा के लिए इतनी पावर लगानी पड़ रही है गले से। अगर आप इस पे कम से कम 5 मिनट 10 मिनट ठहरोगे तो कुछ ना कुछ आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी अपने अंदर। अब ये नहीं आप यहां से छूटे अगले पे पहुंच गए, यहाँ का पता ही नहीं है कि कितनी पिच लगाई, एब्जॉर्ब करानी आपने, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि यहाँ पे एक एक नोट पे 5 5 10 10 मिनट ठहरने की, ठीक है ना। लंबा सांस लेना, आपके इसकी रेंज भी बढ़ेगी आपके सांस लेने की। ये होगा हमारा सी शार्प का। अब एक चीज देखनी है हमें इस चीज के अंदर, सारे गामा पा धा नी सा, ये तो हमारा होगा सिंगल नोट पे। अब हमें करनी है इसकी प्रैक्टिस अपने कोड पे। तो अब ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है ना। अब सीरियस होने वाला है मैटर वीडियो। तो हमारा सी शार्प स्केल है, इसको एब्जॉर्ब करो आप।
ठीक है ना, कि हमें सा के लिए कितनी पावर लगानी पड़ रही है, बट गाना मत, इसको बजा के छोड़ दो, ठीक है ना। जैसी मिले सा, अब ये सी शार्प नोट है, तो आप सी शार्प कोड लगाइए आप, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना प्लीज, सी शार्प नोट है सा, हमारा नोट से ही कोड बनता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। हमारा कोड से नोट नहीं बनता, हमारा नोट से कोड बनता है, ठीक है ना। अब देखिए ये सी शार्प नोट है, तो हमारा सी शार्प कोड कहां बनेगा, सी शार्प कोड बनेगा हमारा यहां, ठीक है ना। हमारा ये नहीं होता कि हमारा सी शार्प नोट पूरे फ्रेटबोर्ड में एक ही होगा, बहुत सारे होता हमारे सी शार्प, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, ऐसे होता फ्रेटबोर्ड में, ठीक है ना। जैसे सी शार्प नोट हो गया, सी शार्प कोड लगाइए। अब यहाँ पे वॉइस बिल्कुल मैच होगी आपकी, इतना ध्यान रखना। अब देखना ये मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सा बोलूंगा लेकिन सी शार्प कोड लगा दूंगा, ठीक है ना। अब देखना कैसे वॉइस मैच होगी कोड पे, देखा कमाल, ये होता है, ठीक है ना। इस बारे में बोलता हूं आपको, सारे गामा पे प्रैक्टिस करो यार, सारे गामा पे प्रैक्टिस करो। ये हो गया हमारा सा, सी शार्प नोट हो गया, तो हमने सी शार्प नोट से सी शार्प कोड बना दो, सी शार्प कोड बन गया, ये सी कोड हो गया, ये सी शार्प कोड हो गया, ठीक है ना। सी शार्प कोड, सब सी कोड ऐसे लगाते हैं हाफ में, ठीक है, सी शार्प कोड ऐसे लगाते हैं और आगे बढ़ोगे तो सी शार्प कोड हो गया। तो जब यहाँ पे रियाज की प्रैक्टिस कर रहे थे, अब सा बोलते 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 इसमें सी शार्प कोड लगा देना, कोई भी आपका सी शार्प किसी भी गाने में ऐड हो रहा होगा ना, तो आपको पता चल जाएगी कि हाँ भाई यार सी शार्प में तो यार ऐसी वॉइस थी, तो मैं ऐसे ही निकालूंगा, ठीक है ना। कोई ये नहीं बस आप भटकोगे नहीं, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ हसना मत, तो मैं आपको बता रहा हूँ खाली, कोई सी शार्प में आपको पता चल जाएगी कि हाँ सी शार्प में तो इतनी पावर लगानी पड़ती है, देखते हैं हम अगला नोट सा रे। रे पे कौन सा हमारा नोट लग रहा है, रे पे नोट लग रहा है हमारा ई बी जी डी, ई बी जी डी डी, और ये हो गया हमारा डी शार्प नोट लग रहा है, तो हम डी शार्प कोड लगा देंगे, ठीक है ना। तो हमारा सी डी शार्प, ये हो गया हमारा सा रे। अब हम रे के लेके इतनी पावर लगा रहे हैं रे, डी शार्प नोट है तो डी शार्प अब हम कोड लगा देंगे डायरेक्ट, मैच होएगा, एब्सोल्युटली मैच होएगा, क्योंकि हमारा डी नोट डी शार्प से, डी नोट से ही हमारा डी शार्प कोड बना है, डी शार्प कोड लगा देना। हो गया मैच, अब ऐसे प्रैक्टिस करना, अब देखते हैं अगला नोट सारे सारे गा। ये कौन सा हो गया हमारा एफ नोट, डी शार्प के बाद क्या आता हमारा एफ, एफ के बाद क्या आता हमारा ए बी सी डी, डी शार्प फिर आता हमारा ई, ठीक है ना। तो हमारा ई नोट आता है, तो अब हम ई कोड लगाएंगे, देखें सा सारे गा। पहले इसको अब्जोर्व करना कि हमारी गा की साउंड कितनी है, रे, अपने माइंड में बिठाना सा सा रे गा, ई बी जी डी, डी शार्प ई एफ, एफ कोड लगाएंगे, ठीक है ना। तो एफ नोट पे हमारा आ रहा सा रे गा, सा रे गा, ठीक है, गा पे आ रहा हमारा एफ, एफ एफ नोट आ रहा, तो हम एफ कोड लगा देंगे, ठीक है ना। पहले हम देखते हैं कि एफ पे हमारी कैसे वॉइस मैच हो रही है, सा रे गा। अब
अब हम एफ नोट है तो एफ शार्प कोड लगा देंगे, वो एफ कोड लगा देंगे, अब यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। कौन कौन से कोड लगे हमारे, सी शार्प डी शार्प एफ, हो गई मैच, अब आगे बढ़ते हैं। माँ पे कौन सा हो रहा है, एफ शार्प नोट, तो एफ शार्प कोड लगा देंगे। ठीक है हमारा सा रे गा मा, ठीक है ना। अब पा देखते हैं, सा रे गा मा पा, ठीक है। तो ये नोट कौन सा हो गया हमारा, ये हमारा हो गया जी शार्प, ई बी जी, एक प्ले इसको प्लस प्रेस कर दिया तो कौन सा हो गया जी शार्प। अब हम जी शार्प पे क्या लगाएंगे, बोलते 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 हम जी शार्प कोड लगा देंगे, क्योंकि ये जी शार्प नोट है, जी शार्प नोट पे हमारा पा आ रहा है, तो हम इसको पा बोलते 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 हम जी शार्प कोड लगा देंगे। ठीक है ना, तो कैसे हो गया, देखते किस पे आ रहा है, सा रे गा मा पा धा, ए शार्प पर, ए शार्प पे आ रहा है हमारा, ये जी शार्प हो गया, ए ए शार्प, ए शार्प पे आ रहा है हमारा धा, सा रे गा मा पा पा धा, धा पे हमारा आ रहा है ए शार्प, तो हम ए शार्प कोड लगा देंगे धा, सॉरी सा रे गा मा पा धा। ऐसे हो तुम्हारी कोड के साथ वॉइस मैच, अब इसको भी लॉन्ग खींचना, ठीक है। अब हमारे कौन से हुए, सा रे गा मा पा धा, अब देखते हैं हम नीसा किस पे आ रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ई बी, बी के बाद क्या आता है हमारा सी, सी कोड लगाएंगे, ठीक है ना, नी पे, नी, हो गई वॉइस मैच, ऐसे होती है नी, एंड सा हमारा सी शार्प, सा सी शार्प नोट हो गया हमारा, वही हमारा सा, ये हो गया हमारे सारे गामा पादा निसा, नोट पे भी हो गए कोड पे भी हो गए, पहले नोट पे प्रैक्टिस करना फिर कोड पे प्रैक्टिस करना। सारे गामा पाधानी सा, सारे गामा पाधानी सा, हमारा नोट पे भी हो गया एंड प्लस हमारा कोड पे भी हो गया, ऐसे वॉइस मैच होती है, ऐसे हर स्केल का करना, ठीक है। ये सी शार्प का हो गया, फिर डी का करना, फिर डी शार्प का करना, ठीक है ना, बस नोट देख लेना, आपको स्केल निकालना तो मैंने सिखाई दिया, अगर आपने अच्छे से सीख लिया होगा तो, हर चीज काम की, हर लेसन इंपॉर्टेंट होता मेरा, ठीक है, कोई भी वेस्टेज नहीं होता। तो मैं नोट पे आपको इस बारे बताता हूँ, क्योंकि नोट से ही हमारे कोड बनते हैं, सी शार्प कोड, ये कौन सा नोट है, क्योंकि हमारा डी कोड, डी शार्प कोड, डी शार्प कोड, डी शार्प नोट हो गया वो, ये डी शार्प कोड, एफ को एफ नोट, एफ कोड, एफ शार्प नोट, एफ शार्प कोड, जी शार्प नोट, जी शार्प कोड, ए शार्प नोट, ए शार्प कोड, नी के लिए हमने लगाया था सी, सी कोड, सा के लिए हमने हाई ऑक्टेव का लगाया था सी शार्प, सी शार्प। अब इस पे वॉइस मैच करो, यहां तो कर ली थी ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी, मैंने सी है ऐसे
को बार में लगा दिया एंड ऊपर से ये था हमारा आज का लेसन, हाउ टू मैच वॉइस विद गिटार। ठीक है ना, ये हम नो हम सारे काम से चले एंड कोड लगा दिए, ये तरीका होता हमारा वॉइस मैच करने का गिटार के साथ। ठीक है, कोड पे प्रैक्टिस करिए, पूरी सांस लीजिए अंदर, अगर आपको रे नहीं मिल रहा डी शार्प पे, रे रे भूल गए तुम तो यहां पे उठाइए रे, फिर मैच हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप भूल भी जाते हो तो अपने टोनिक से उठा सकते हो, टोनिक से नहीं सारे गामा से उठा सकते हो, सारा गामा आपका बेस हो गया। ठीक है ना, आपको गिरने नहीं देगा, ये सारे गामा हमारा बेस हो गया, आपको गिरने नहीं देगा, सपोर्ट के लिए हमारे सारे गामा है, बाकी कोड तो हमारा पूरा ताजमहल है। ठीक है ना, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, मैं ऐसे ही गिटार से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी लेसन लेके आता रहता हूँ। बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बट कोई भी क्वारी है, कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर आ जाएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।